नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है जैसे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज दिन की शुरुआत मैंने कर लिया है। सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको पूरे आपके परिवार को भी। तो दोस्तों आज जैसे आपको बताने वाला हूँ कि बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, इसीलिए बसंत पंचमी को मनाया जाता है। और इस समय दगड़ियों हमारे उत्तराखंड लोक पर्व में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इस त्यौहार को। और अभी इसका कौथिक भी मनाया जाता है, जगह जगह पे कौथिक भी होता है इसका। तो आज जो कौथिक है, मेन कौथिक है रामनगर मार्केट पे। तो आज रामनगर मार्केट में जाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा सारा कार्यक्रम। तो बने रहे आज के। तो दोस्तों फाइनली यहाँ से गाड़ी मिल चुकी है काशीपुर से, और यहाँ से अब निकलूँगा रामनगर के लिए, और वहाँ से फिर आगे का कंटिन्यू बनेगा ब्लॉग। आज तो पंचमी का कौथी लगा हुआ है रामनगर मार्केट में, तो वो चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो आप लोग बने रहे, अभी जो ये गाड़ी है दिल्ली आनंद विहार से आ रही है अभी यहाँ से, तो उसके बाद जा रहा है यहाँ से रामनगर के लिए। तो देखिए सवारी अभी कुछ ऐसे यहाँ पे, तो मिलता हूँ आपको आगे। तो बने रहे आज के ब्लॉग। पहले पहुंच चुका हूं मैं रामनगर मार्केट पे, और अब रामनगर मार्केट के कुछ यहां पे दुकानें और शॉप यहां पे दिखना शुरू हो चुकी हैं। और आज मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा बसंत पंचमी का जो महाकौथिक यहां पे होता है, मेला जो लगता है यहां पे, वो चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो बने रहे आज। दोस्तों पहले हम पहुंच चुके हैं रामनगर में, अब यहाँ से निकलने आए के लिए, और रोडवेज में यहाँ तक काशीपुर से, तो निकलता हूँ नीचे के लिए। और ये है रोडवेज बस अड्डा जहाँ पहुँचा अभी मैं, और यहाँ से निकलता हूँ आए के लिए। तो दगड़ियों यहाँ पे जो रोडवेज बस अड्डा है, ये जगह जगह यहाँ पे यहाँ से रूट के लिए बस निकलती है, सरकारी बसें। जैसे आपको यहाँ पे पंजाब जाना है, कहीं भी जाना है, हरियाणा जाना है, मतलब कहीं भी जाना है, तो वहाँ से यहाँ से गाड़ी लगी हुई है। दिल्ली के लिए भी लगी हुई गाड़ी यहाँ पे, देहरादून, मतलब बड़े रूटों के लिए यहाँ से गाड़ी आपको मिलेगी। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से आगे के लिए, और देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ। लगा है पंचमी का महाकौथिक, तो आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग बने रहे आज के ब्लॉग में, बिल्कुल भी स्किप करना आज के ब्लॉग को। ठीक है, तो मिलेंगे आगे आपको, तो बने रहे आज के ब्लॉग में। पहुंच चुका हूँ रामनगर मार्केट पे, और यहाँ रामनगर मार्केट में लगा है आज बसंत पंचमी का महाकौथिक, जिसे बोलते हैं मेला। तो मेला लगा हुआ आज, तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो तीज त्यौहार है वो अभी भी बना रहे हैं लोग। और तो अभी यहाँ पे जो तीज त्यौहार होगा, जो किसी भी यहाँ कार्यक्रम होगा, तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग भी उसको फुल इंजॉयमेंट की तरह उसको देखेंगे, और अपने भाई बंधु सबके लिए शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ लगी हुई दगड़ियों महाकौथिक आप देख सकते हैं अभी, और ये है मेन गेट जहाँ से अंदर के लिए आ रहा हूँ अभी, और यहाँ लगी है महाकौथिक आज बसंत पंचमी की कौथिक लगी हुई यहाँ पे, कौथिक लगी हुई यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। पहली बार इस कौथिक में शामिल होने मैं भी जा रहा हूँ आज, फर्स्ट टाइम है मेरा भी, और आप लोगों का भी मेरे जरिए आप लोग भी देख पा रहे हैं यहाँ पे आज कार्यक्रम सारा। तो आप लोग बने रहें, और बिल्कुल भी इसकी मत करना। अच्छी सिमेट्री और वेरी वेल डिजाइन। मैं जानना बोलते कोई है इसमें जो पढ़ाई छोड़कर डांस करना चाहिए? अरे वाह वाह, इसकी वजह। और ये लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, तो आपके पेरेंट्स देख रहे हैं। गिरीश पटवानी आप।